हमारे साथ वैभव शर्मा जी मौजूद है। सर, लगातार ऑपरेशन मुस्कान के तहत लोगों की खुशी, लोगों की मुस्कान लगातार वापस दिलाई जा रही है, सर कैसा लग रहा है? ये प्रयास हम लोगों ने जून माह में स्टार्ट किया था, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग इसे कंटिन्यू कर पाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोबाइल वापस कर पाए। अभी तक 6 फेज मिला के हम लोगों ने 600 मोबाइल वापस कर दिए हैं, 600 जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपये है। जी जी। और 1 करोड़ रुपये का मोबाइल अभी तक वापस आ गया? बिल्कुल। और हम लोग प्रयासरत हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल को रिकवर करके लोगों को पहुँचाएँ। और इस फेज़ में कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, जिसमें लगभग 40 गिरफ्तारी इस फेज़ में हुई है, और ये चलता रहेगा प्रोसेस। सर, मतलब 600 फोन रिकवर हुआ और सिर्फ 40 गिरफ्तारी हुई है? क्योंकि सारे के सारे केसेस में चोरी वाले मोबाइल नहीं होते, कई में गिर जाते हैं। अच्छा, तो बोनाफाइड केस में हम लोग गिरफ्तारियाँ नहीं करते हैं। सर, कई लोग शिकायत करते हैं कि बहुत काफ़ी टाइम लग रहा है, पुलिस वाले FIR तक नहीं ले रहे हैं। नहीं, ऐसी शिकायतें बहुत कम हो गई हैं, वेट टाइम बहुत ही मतलब 1-2% बच रही है, पर जो भी हमारे पास आती है हम लोग उसमें जल्दी से लिए FIR करने का प्रयास करते हैं। तो सर, ये क्या एंड्रॉयड फ़ोन के लिए है या फिर iOS फ़ोन? हर तरह के मोबाइल के लिए। सर, तो क्या अब चोरों को, अब जो थीफ है, जो गिरोह है, वो कहीं ना कहीं अब सतर्क हो जाए, डर जाए? बिल्कुल सतर्क हो जाए। और पटना पुलिस उसके पीछे है जी, और अगर वो खुद को नहीं चेताएगा तो हम लोग गिरफ्तार करेंगे। सर, कब तक चलेगा ये ऑपरेशन? चलता रहेगा। हाँ, चलता रहेगा। चलिए, तो देखिए, हमारे साथ वैभव शर्मा थे, पटना सेंट्रल SP है, और लगातार ऑपरेशन मुस्कान, जो कि जून 2023 से लगातार जून के महीना से लगातार ऑपरेशन मुस्कान के तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी तक 600 से भी अधिक जो खोई हुई फ़ोन है वो अभी तक लोगों को मिल चुका है। और देखिए, इस वक्त हम सेंट्रल SP के दफ्तर में हैं, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कई लोग, देखिए तस्वीरों में कई लोग यहाँ मौजूद हैं जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। खुद यहाँ से फ़ोन करके लोगों को बुलाया जा रहा है, और लोगों को बुला के उनके हाथों में फ़ोन दिया जा रहा है। यूँ कह सकते हैं कि उन्हें उनकी मुस्कान लौटाई जा रही है। लग रहा है आपको भी आपका फ़ोन वापस बिल्कुल मिला? बहुत बढ़िया कार्य है पुलिस डिपार्टमेंट का। देखिए, ये मोबाइल मिला जी, और बहुत ही बढ़िया कार्य है पुलिस विभाग का, जिन्होंने सभी जितना भी चोरी मोबाइल गया था सबको पकड़ करके बुला के सबको दिए हैं। बहुत अच्छी पहल है। कॉल आया था? बिल्कुल, फ़ोन गया था। कितने दिन पहले फ़ोन गुम हुई थी? फोन हो गया था 5-6 महीना। अच्छा अच्छा। लेकिन फिर भी मिला मोबाइल, बहुत अच्छी बात है। हम पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बिहार सरकार को भी बधाई देते हैं इसके लिए, पूरी टीम को शुभकामना। अच्छा, उम्मीद थी कि वापस? बिल्कुल 100% उम्मीद थी, इस सुशासन में तो पूरी उम्मीद थी। मतलब तो उम्मीद खो देते हैं? नहीं खोना है ना, इस सरकार में उम्मीद खो देगा तो किसी सरकार में नहीं होगा। प्रशासन पे पूरा भरोसा? बिल्कुल, प्रशासन इतना बढ़िया काम कर रहा है तब तो दिया मोबाइल। पूरी टीम को, प्रशासन को मैं अपनी ओर से, पूरे प्रदेश कमेटी की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, और इसी तरह से काम करें जी। और दशहरा बढ़िया से बीते, सबको शुभकामना है। दशहरा के समय आपका फोन वापस मिला है एक तरह से, इसलिए और बहुत बधाई देते हैं, पूरी टीम को बधाई हमारे तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम और भी लोगों से बात करेंगे। साफ तौर पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में लोगों की जो खुशी है वो साफ तौर पर देख सकते हैं। और फ़ोन ऐसे ही नहीं दिया जा रहा है, पहले पूरा उसका आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पूरा मैच किया जा रहा है, जो FIR की कॉपी है, जो कि जिस क्षेत्र में फ़ोन गुम हुआ था उस क्षेत्र के जो थाना थे, और उस थाना में जहाँ पे FIR लॉन्च किया गया था, तो उस FIR का कॉपी और साथ ही साथ IMEI नंबर और फ़ोन का डब्बा, जो कि प्रूफ, यानी यदि आप फ़ोन अपने से ख़रीदे हैं और फ़ोन का आपके पास प्रूफ है तो वो प्रूफ लेकर आइए, और जो FIR आपने कराया था जिस थाने में, उस थाने का FIR का कॉपी लेकर आए और आप यहाँ पर आए। यहाँ की जो प्रशासन है, प्रशासन साफ तौर पर, खुले तौर पर, बिल्कुल ही एक तरह से आप समझ सकते हैं कि काफ़ी सहयोग कर रही है, लोगों को खुद कॉल करके बुलाया जा रहा है। और ये अभी से नहीं बल्कि जून के महीने से लगातार ये प्रयास चल रहा है। सर, अभी तक कितना फ़ोन अभी तक लोगों को मिल चुका है? सर बताए ना, अभी जी जी 600 लोगों का जैसे मोबाइल जी। तो ये सर पूरे पटना में चल रहा है या फिर सिर्फ बिहार, मतलब बिहार में भी? सब जगह चल रहा है, सब जगह चल रहा है पूरे बिहार में। तो ये मतलब सर, ये हर थाना का अलग अलग टीम बना हुआ है या फिर ये सिर्फ सिटी SP के अंडर का टीम है ये? नहीं नहीं, सब मिलिट टीम है, सब लोग मिल के काम करते हैं। हर थाना का अलग टीम बना हुआ है। देखिए, हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे। तब तक आप विजुअल में देखिए कि किस तरीके से फ़ोन जो है वो वापस लौटाया जा रहा है। तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं। चेंज करवाएगा फिर भी बहुत अंतर होता है, बहुत अलग है।
तो देखिए तस्वीरों में किस तरीके से फ़ोन वापस लौटाया जा रहा है। सीमांशु नाम था इसका, ठीक है। देखिए सीमांशु जी, आपको फ़ोन वापस मिल गया। उम्मीद थी कि फ़ोन मिल जाएगी वापस? उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन नहीं थी, नहीं उम्मीद नहीं थी कि मिलेगी, लेकिन फ़ोन को हुआ था आपका 3-4 महीना पहले। अच्छा, मतलब दिसंबर में? हाँ, दिसंबर के टाइम में। आप शायद बताइए क्रिसमस का समय था। हाँ, तो फोन गुम हो गया था, तो उम्मीद नहीं थी? नहीं, उम्मीद तो एकदम भी नहीं थी। अब घर वाले क्या कह रहे थे, घर वाले क्या बोल रहे थे जब फोन गुम हुई थी? अब वो कुछ नहीं, नॉर्मल उनका वो था। हाँ, रिएक्शन। हाँ, फोन ले लिया, दूसरा फोन मैंने ले लिया। आज जब दोबारा फोन आपको वापस मिल गया है तो क्या कहेंगे प्रशासन को, क्या कहेंगे? मैं प्रशासन को यही कहूँगा कि थैंक यू सो मच। हाँ, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माय CTSP जी। जो ऑपरेशन मुस्कान चल रहा है, तो सही में आज चेहरे पे मुस्कान आया आपके? हाँ, बहुत ज़्यादा। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रशासन के द्वारा पहले पूरी अच्छी तरीके से शिनाक्ष की जा रही है, पूरी अच्छी तरीके से पहले आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि ये जो फ़ोन है वो इनके मालिक के हाथ में ही जाए, किसी गैर के हाथ में वो फ़ोन ना जाए। साथ ही साथ आप यहाँ एक तस्वीर और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखिए तस्वीरों में ये जो टेबल है, इस टेबल पे फ़ोन की भरमार है। देख सकते हैं कितनी फ़ोन है यहाँ पे, करीब सैकड़ों की संख्या में अभी तक फ़ोन वापस मिल भी चुका है। और ये फ़ोन अगर आप गौर से देखें तो देखिए ओनर का नाम इसमें आप देख सकते हैं, ये जो ओनर है, ओनर का नाम है, साथ ही साथ कांड संख्या भी है, जिस थाना में ये फ़ोन जिस थाना का था उस थाना का भी नाम है। और बिल्कुल ही एक सिस्टमेटिक तरीके से ये जो फ़ोन है ये लौटाने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। और ये पहला बार नहीं है, बल्कि ये जून से मुझे लगता है कि ये शायद दर्जनों बार अभी तक लोगों को बुला के फ़ोन वापस दे दिया गया है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्हें फ़ोन वापस मिला तो उन्हें कैसा लगा, कैसा उन्हें एहसास हुआ। हमारे साथ एक और फरियादी है जिनका फ़ोन गुम हो गया था, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नियाज हूँ। अच्छा, ऑपरेशन मुस्कान के तहत मुस्कान आएगी चेहरे पे? हाँ, आ गई। नहीं, मेहनत की चीज़ तो मिलना ही चाहिए। उम्मीद था कि फ़ोन मिलेगा वापस? उम्मीद हम बनाए हुए थे। उम्मीद था? हाँ, उम्मीद पुलिस पे उम्मीद था। कई लोग तो पुलिस पे उम्मीद ही नहीं रखते, छोड़ देते। नहीं, मेरा तो उम्मीद था, जिस वजह से मेरा मिली। अच्छा, कितना दिन पहले फ़ोन गुम हुआ था? कम से कम एक साल पहले गुम हुआ था और तब जाके फ़ोन मिल गया आपका। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी मिल रही है। बहुत। हाँ, उसके बीच में तो कोई दूसरा फोन तो ले ही लिया? हाँ, ले ही लिया तभी ना। फोन का क्या कीजिएगा? इस फोन का घर में यूज होगी, घर की यूज होगी, घर पे यूज होगी। तो क्या कहेंगे प्रशासन को, किस तरीके से धन्यवाद देना चाहेंगे? प्रशासन ने बहुत बढ़िया काम किया है। हाँ, जो सबका मोबाइल, हाँ, जो मेहनत, बहुत मेहनत किया। हाँ, मिला। हाँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन के। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद नियाज हुआ। चलिए, धन्यवाद।